करनाल के कुंजपुरा से मुगल माजरा रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक हुए धमाके से फैक्ट्री की छत उड़ गई। धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक बच्चा झुलस गया। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि धमाके के दौरान 10 कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक कमरे में हुए धमाके के बाद सभी बाहर की तरफ दौड़ पड़े और बाल बाल बच गए। हादसे के बाद से ये मजदूर सहमे हुए हैं। उधर पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। कुंजपुरा से मुगल माजरा रोड पर विनायक नाम के पटाखा फैक्ट्री है। शाम करीब 6:30 बजे अचानक फैक्ट्री से धमाके की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर तक गूंज गई। इसके बाद खेतों में काम करने वाले व आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस समय फैक्ट्री में आग लगी हुई थी। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बाद में किसी तरह से धमाके में झुलसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिली थी कि यहाँ पर विस्फोट हुआ है। तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी एम्बुलेंस आ गई थी। इंजर्ड जो यहाँ पे एक आदमी हमें अंदर इंजर्ड मिला था उसको हमने तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया। एक लोग का भी हमें झुलसाया था उसको हमने हॉस्पिटल भेज दिया। अच्छा, बाकी और पूछताछ अभी और पता लगेगा। हमें अभी मौके पर एक ही व्यक्ति मिला था, वो बिहार का रहने वाला। अच्छा, और कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? करीब अभी जो हमें पता चला 8-10 लोग काम कर रहे थे। ये प्रवीण वर्मा है, उनकी फैक्ट्री फुलझड़ी और पटाखे का काम था यहाँ पे। अब मंगवाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, वो चेक करते हैं नॉर्म के अनुसार है या नहीं है।